नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। झारखंड में न्याय सदन सभागार में शुक्रवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 19 सितंबर को होने वाले झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी एवं गश्ती दंडाधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार, अपर समाहर्ता सादात अनवर, अनुमंडल चास दिलीप प्रताप सिंह, शेखावत अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार आदि उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त सह परीक्षा के जिला समन्वयक कुलदीप चौधरी ने कहा कि आगामी 19 सितंबर को झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर ये अंतिम बैठक है। कई चरणों में अलग अलग स्तर पर इससे संबंधित बैठक हुई है और दिशा निर्देश दिया गया है कि अब किसी तरह का किसी के मन में कोई शंका संशय की स्थिति नहीं हो। उन्होंने दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों से अपने अपने केंद्र निरीक्षण के संबंध में जानकारी ली। प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि सभी ने अपने अपने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर लिया है एवं केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक भी की है। उपायुक्त ने कहा कि गश्ती दंडाधिकारी एवं उनके साथ पुलिस बल का ससमय टैग किए गए कोषागार से प्रश्न पत्र ओएमआर सीट प्राप्त करेंगे एवं परीक्षा केंद्र पहुंचाएंगे। उन्होंने बोकारो एवं तेनुघाट के कोषागार पदाधिकारी को सुनिश्चित करने को कहा कि बिना परिचय पत्र के किसी को भी प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराएंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि दूर वाले परीक्षा केंद्रों के गश्ती दंडाधिकारी दल को प्रश्न पत्र पहले उपलब्ध कराएंगे। बोकारो से संगीता की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।